हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ 11th क्लास को क्लियर करने के लिए, और 12th स्टैंडर्ड अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही एक्साइटेड होंगे, हाँ कि ना? बहुत नालायक जो बच्चे हैं जिनको 11th में उम्मीद नहीं थी, उनके लिए तो एक्साइटमेंट है, लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं वो डर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं सर बोर्ड्स में क्या होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम लोग साथ के साथ सीखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, अकाउंट्स क्लास 12th के लिए। यहाँ पर पार्टनरशिप की हम प्रैक्टिकल बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप थ्योरी के बारे में डिस्कशन रहेगी हमारी इस पूरे कंप्लीट लेक्चर के अंदर, राइट? मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स को नॉर्मली हमेशा हर साल पार्टनरशिप को लेकर इश्यूज रहते हैं। क्यों सर? पार्टनरशिप के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो हमें बहुत अच्छे से करने आते हैं, लेकिन सर पार्टनरशिप की थ्योरी क्या पूछी जाएगी, क्या होती है पार्टनरशिप, है क्या थ्योरिटिकल, हमें तो कोई जानकारी नहीं। हाँ कि ना? स्कूल्स में, ट्यूशंस में आपको प्रैक्टिकल्स तो बहुत अच्छे से कराए जाते हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन पार्टनरशिप की थ्योरी पर फोकस नहीं करा जाता। तो स्टूडेंट हमेशा एंड में आके यही परेशान होते हैं, सर पार्टनरशिप की थ्योरी में है क्या, क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की थ्योरी, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए। तो भाई देखो, ये पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप है क्या, तो आप लोगों को कुछ आइडिया है? अब आप ये नहीं कह सकते सर ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना, पार्टनरशिप आपने जरूर सुनी है। हाँ कि ना? कभी कभार ऐसा होता है आप अपने दोस्त को कहते हैं, ओए मेरे साथ चल जरा इस काम को निपटा के आते हैं। वो कहता है यार मैं चल तो लूंगा तेरे साथ, मेरे पास व्हीकल नहीं है। आप कहते हो अरे तुम मेरे साथ आ जाना, पैसे मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बाइक मैं दे दूंगा, लेकिन तू मेरा साथ दे दे। आप उससे साथ मांग रहे हो, आप किसी बंदे को चाहते हो कि वो आपके साथ हो तो आपका काम बन जाए। हाँ कि ना? तो भाई पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप भी यही है। क्या चीज़ है पार्टनरशिप? है क्या? लोगों का पार्टनरशिप है, लोगों का साथ। कोई भी बड़ा बिजनेस हो या पैसे की ज़रूरत हो या चाहिए हो कोई फ्रेश आइडियाज या कोई मैनेजेरियल स्किल्स, किसी भी चीज़ के लिए हमें चाहिए होते हैं लोग, और वो लोग ही हैं जो पार्टनरशिप बनाते हैं। ध्यान रखना, जब भी बात आ रही है पार्टनरशिप की 100% समझ जाओ कि भाई सोल प्रोप्राइटर, जो कि आपने 11th क्लास के अकाउंट्स में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर कौन था? एक अकेला ओनर जो सब कुछ खुद मैनेज करता था। लेकिन आज हम अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर फ्रेश टैलेंट लाना चाहते हैं, हमें और फंड्स की ज़रूरत है बिजनेस को के साइज को बढ़ाने, क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, तो हमें कुछ लोग चाहिए। और जब वो कुछ और लोग जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस और कुछ नहीं है, वो लोगों का साथ ही है जो हमें अलग अलग ज़रूरतें हमारी पूरी करते हैं। हमें आइडियाज़ की कमी है, हमने ए को जोड़ लिया। हमें स्किल्स चाहिए, मैनेजेरियल स्किल्स चाहिए, हम चाहते हैं हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से कोई मैनेज करे, हमने बी को जोड़ लिया। हमने बोला हमें फंड्स की ज़रूरत है, हमें कैपिटल की ज़रूरत है, हमने मिस्टर सी को जोड़ लिया। ऐसे करते करते हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है और बिजनेस को बड़ा करने का सपना अब काफ़ी आसान लगता है, जो कि सोल प्रोप्राइटर बेचारा 11th क्लास तक जो आपने अकाउंटिंग करी है वो सोल प्रोप्राइटर की ही करी थी। यहाँ पर एक अकेला बंदा होता था, छोटा सा बिजनेस चलाता था और खुश रहता था। लेकिन मैं बात करूँ अगर बिजनेस को एक्सपेंड करने है, तो हमें कुछ लोग चाहिए, और वो लोग जब मिल जाते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों मिल गए, आज ये तीनों कलेक्टिवली इकट्ठे होके कहलाते हैं पार्टनरशिप, और इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स। हाँ कि ना? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स, और जब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो दे बिकम अ पार्टनरशिप, राइट स्टूडेंट्स? तो सर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होंगे, पार्टनरशिप के अंदर कौन सी ऐसी खासियत है, कौन कौन सी बातें हमें पूरी करनी पड़ती हैं, तो आओ डिस्कस करते हैं। नंबर वन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है जी, 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर भी जो था वो भी क्या चाहता था, एंड में कोई भी बिजनेस में चाहता कि यार मैं प्रॉफिट्स कमाऊँ, और अगर बेचारे को लॉस हो जाते तो झेलने पड़ते थे। लेकिन वहाँ पर तो एक अकेला ओनर था, सारा प्रॉफिट उसी को ही मिलता था। लेकिन सर यहाँ पर आपने बताया एक अकेला बंदा तो नहीं है, एक से ज़्यादा बंदे हैं। अब एक से ज़्यादा बंदे हैं और पक्का होगा पार्टनरशिप जो हमने खोली है उसके अंदर हमें बाकी पार्टनर्स के साथ भी, बाकी ओनर्स के साथ भी प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो ज़रा मैं यहाँ पर ज़रा 2 मिनट के लिए सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म को कंपेयर करूँ। तो बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो उसको कुछ फ़ायदे तो दिखते हैं, बिल्कुल सर फ़ायदे हैं। क्या? सारा मुनाफा उसका, सारा प्रॉफिट उसका, सारा कंट्रोल उसका, सारी डिसीजन मेकिंग उसकी। लेकिन सर नुकसान के बारे में मैंने बोला, अगर कल को सारा लॉस हुआ ना तो सारा ही उसको भुगतना पड़ेगा, बैंड बज जाएगी उसकी, सारा मैनेजमेंट का वर्क, सारा वर्कलोड उसी का, ठीक है, और फंड्स की कमी हमेशा।
लेकिन जब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप की, तो हमें क्योंकि लोगों का साथ मिल रहा है तो हमारे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट, फ्रेश आइडियाज, क्रिएटिविटी, मैनेजरियल स्किल्स सबका साथ मिल जाता है। इसलिए हमारे लिए पार्टनरशिप एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचते हैं, ठीक है ना। तो पहला फीचर आपको समझ में आया, आओ जरा दूसरे पर, लीगल बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो तो फिर सोल प्रोवाइडर का हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कोई कंपनी हो, बिजनेस शुड बी लीगल इन नेचर। इसका मतलब ऐसा कोई भी काम जो अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, मतलब गवर्नमेंट उसको अलाउड नहीं करती है, वो अलाउड ही नहीं है काम करना। इसका मतलब अगर आप एक वैलिड पार्टनरशिप के अंदर आना चाहते हैं तो आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसको हम डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसकी डिस्कशन अभी हम 2 मिनट के बाद करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है एक पार्टनर अपने साथ जो भी वो काम करेगा, मिस्टर ए अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपने काम से अपने आप को तो बाइंड करेगा ही, साथ में मिस्टर बी को भी बाइंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब मान लो अगर एक फर्म है मिस्टर ए और मिस्टर बी की, दोनों पार्टनर्स की, और ए ने कोई काम कर दिया, ए ने क्रेडिट सेल कर दी है, ए ने क्रेडिट सेल कर दी और बी प्रेजेंट नहीं था, तो ए को जब फ्यूचर में पैसा मिलेगा उस सेल के अगेंस्ट, तो क्या वो सारा पैसा ए का कि मिस्टर बी का भी? अरे सर बिल्कुल बी का भी, क्योंकि वो फॉर्म सिर्फ ए की थोड़ी ना, वो फॉर्म तो बनी है किससे? ए और बी से मिलके। तो बस 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 वह काम ए को तो बाइंड कर ही रहा है, साथ में बी को भी बाइंड करेगा। अकेला फॉर्म में कोई कुछ नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म मिलके ही चलती है, और इसमें हर फायदा और हर नुकसान सब पार्टनर्स में शेयर होता है। तो यही है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मिस्टर ए ने फॉर्म के लिए कुछ लोन लिया, मिस्टर बी किसी काम से फॉर्म से बाहर गए हुए हैं और मिस्टर ए को अर्जेंटली कुछ पैसा लेना पड़ा किसी बैंक से, ले लिया मिस्टर ए ने। जब बताओ मुझे, जब पैसा चुकाने की बारी आएगी, क्या सिर्फ मिस्टर ए, क्योंकि उन्होंने लोन लिया था, क्या सिर्फ लाइबिलिटी चुकाने की बारी आएगी तो मिस्टर ए ही पैसा चुकाएगा कि मिस्टर बी का भी बनेगा? अरे सर बिल्कुल, फॉर्म में फिर से दोनों पार्टनर्स ही हैं, दोनों ही मालिक हैं, तो दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। मतलब मिस्टर ए के करा हुआ काम मिस्टर बी को भी बाइंड करेगा। यही है म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पर दो मैं जब भी टर्म्स यूज करने लगा हूँ, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का ही रिलेशन है बिटवीन पार्टनर्स। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है। मतलब एजेंट का करा हुआ काम मिस्टर ए जो भी काम कर रहा है एज एन एजेंट, वो बाइंड करेगा मिस्टर बी को भी, मतलब प्रिंसिपल को भी। एजेंट और प्रिंसिपल का यही रिलेशन होता है कि एजेंट जो भी काम करेगा, एजेंट का करा हुआ काम बाकी बंदों को भी बाइंड करेगा। उसी हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का ही रिलेशन होता है। एजेंट जो भी काम करेगा, मिस्टर ए कभी भी कोई काम करेगा तो अपने साथ साथ मिस्टर बी को, उसके मिस्टर ए के करे हुए एक्ट, मिस्टर ए का करा हुआ कोई भी काम, मिस्टर बी, मिस्टर सी और जो भी पार्टनर्स हैं उनको भी बाइंड करेगा। इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और यही होती है पार्टनरशिप में क्या, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपसे कल को कोई पूछे कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है, तो आंसर शुड बी म्यूचुअल एजेंसी, जिसका मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब फॉर्म के अंदर कोई एक काम करे पूरे फॉर्म के व्याप पे, या बाकी काम करे, सब एक दूसरे को बाइंड करेंगे, कोई एक दूसरे से बचा हुआ नहीं है। ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फॉर्म। ये बात तो ठीक है, सब भाई भाई हैं, कोई किसी से बच नहीं सकता। हाँ कि ना? चलो जी। और लास्ट पॉइंट है टू और मोर पर्सन, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप की तो बात ही नहीं कर रहे, सिंगल ओनर की तो बात ही नहीं कर रहे। तो पक्का है सर ये तो, फॉर्म में कम से कम 2 बंदे चाहिए होंगे फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, और हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 100, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम पार्टनर शुड बी 100, राइट। अब सर ने बोला कि पार्टनरशिप डीड के बारे में बताता हूँ, तो आ गए हम जरा उस पन्ने पर जहाँ पर लिखा है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब जरा ध्यान से समझना, पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कोई 2 बंदे, मान लो आप और मैं, आप और मेरे को कुछ कमिटमेंट्स करनी है एक दूसरे से, आओ जरा क्या कमिटमेंट करोगे आप लोग, जरा बताओ आंसर इस चीज़ का। आप लोग तो मुझे कहोगे सर ये बताओ 12th स्टैंडर्ड में अगर हम डेली 4 घंटे अकाउंट्स पढ़ें तो क्या हमें फ़ायदा मिलेगा? मैंने बोला 100% मिलेगा। फिर मैंने बोला अगर रेगुलर बेसिस पर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे, फॉर्मेट्स को रोज देखोगे, तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। तुमने बोला ठीक है सर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, फॉर्मेट भी बनाएंगे, क्या आप और क्लासेस बनाते रहेंगे? मैंने बोला मैं बनाता रहूँगा, हर हफ्ते क्लास बनेगी, हर 10 दिन में क्लास बनेगी। तो हम भी आपस में
एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें क्या चाहते हैं हम लोग। सर एक बार हम आपस में ना सारी चीज़ें ना डिस्कस कर लें, हम दोनों ही टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री हो जाए, दोनों एग्री हो जाएंगे तो बताओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप भी उस चीज़ के लिए यस बोल रहे हो और मैं भी उस चीज़ के लिए यस बोल रहा हूँ, तो बताओ कोई झगड़ा बसता नहीं है जब दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब दोनों की मर्जी है, तो बस फिर तो बल्ले बल्ले। बस सर पार्टनरशिप डीड भी कुछ इस तरीके का ही अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके का ही रिटन डॉक्यूमेंट है। मतलब अब भाई पार्टनरशिप के अंदर एक बंदा तो ओनर है नहीं, जितने पार्टनर्स मतलब उतने ओनर। अब वो भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई देखो अब सबकी सोच अपनी अपनी, अपने अपने विचार है, बेटर है, बेस्ट है, झगड़े फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट, झगड़ा लड़ाई क्या फ़ायदा। ऐसा करते हैं डीड तैयार कर लेते हैं, अगर हमें लगता है फ्यूचर में किसी बात को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, बेटर है उसे हम रिटर्न में क्यों ना कर लें, पक्का काम क्यों ना कर लें। क्योंकि चीज़ जैसे रिटर्न में होती है, ध्यान रखना, वो पक्की हो जाती है, एक एविडेंस आ जाता है हमारे पास, जो कि कल को अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत होगी तो हमारे काम आता है एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस। तो पार्टनरशिप डीड में यही है, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि पावर, कल को कोई पंगा हुआ तो हमारे पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का मतलब ये है कि सारे पार्टनर्स उस बात के लिए अग्री होने चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड डिटेल्स ऑफ फर्म है, फर्म की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सपोज मान लो किसी दिन मैं आपके पास आया, एक पेपर रखा, मैंने बोला ये मेरी फर्म की पार्टनरशिप डीड है, इसका मतलब आप वो पेज सामने रखोगे और देखोगे और समझ जाओगे कि सर की फर्म की डिटेल्स क्या क्या है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अकेले सिर्फ मेरी बात नहीं होगी, यहाँ पर अगर मेरे साथ तीन और पार्टनर्स हैं तो सबकी रजामंदी होगी तब डीड में वो बात लिखी होगी, ठीक है। इसका मतलब डीड में जितनी बातें लिखी हैं उसके लिए सबकी मर्जी है तभी वो बात लिखी है, नहीं तो वो लिखी होती ही नहीं। इसका मतलब डीड के अंदर लिखी हुई सारी बातों में 100% कंसेंट होती है, 100% कंसेंट बोलो या यूनैनिमस कंसेंट बोलो, इसका मतलब सब बंदों की राजी होगी, सब पार्टनर्स राजी होंगे तभी वो बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो क्या क्या बातें हो सकती है देखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, मैंने बोला है आपको पार्टनरशिप की डिटेल्स है फर्म की, इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फर्म, तो फर्म का नाम बिल्कुल लिखा होगा, पार्टनर्स का नाम, नेम ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, मान लो 4:3:2:1 जैसा भी, जिस रेशियो में वो डिसाइड करना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगानी पड़ती है, बिल्कुल, तो पार्टनर ने भी लगाई है। अब पार्टनर कह रहा है फर्म मैं क्योंकि कैपिटल लगाता हूँ तो मुझे उस पर ब्याज देना, सारे पार्टनर्स भी हाँ कह रहे हैं इस पॉइंट को लेकर, तो डलवा दिया उन्होंने डीड में पॉइंट, सब चाहते हैं तो कोई भी पॉइंट डल सकता है, हाँ कि ना, बशर्ते सारे पार्टनर्स उस बात के लिए अग्री होने चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका मतलब अगर फर्म में से कोई पार्टनर कुछ भी पैसा विड्रॉ करेगा उसे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और सारे पार्टनर कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए तो ऐसा पॉइंट भी डलवा दिया, देखो। और सैलरी और कमीशन, भाई वैसे तो पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के ओनर है, आप तो जानते हो बिजनेस को, अगर बिजनेसमैन को रिटर्न के नाम से तो प्रॉफिट्स मिलते हैं, यहाँ पर सैलरी और कमीशन इन लियू ऑफ प्रॉफिट्स है, मतलब प्रॉफिट के अलावा, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली पार्टनर्स को मिलेगा ही, साथ में सैलरी और कमीशन, ये बात भी होगी तब जब डीड कहाँ लिखी होगी, डीड के अंदर लिखी होगी। मतलब ये जो सामने आपके बातें लिखी हैं ये 6 पॉइंट्स हैं, इसके आगे 60 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और ये वो पॉइंट्स होंगे जो सारे पार्टनर चाहते होंगे। इसका मतलब जो बात उनको लगती है कि डीड में लिख देनी चाहिए और सबकी उसमें हाँ रजामंदी है, दे ऑल अग्री अपॉन सेम थिंग, तो वो उस बात को डीड में डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो डीड ब्रिंग्स खुशियाँ, हाँ कि ना, फॉर क्या फर्दर खाम का कि टेंशन और डिस्प्यूट और झगड़े, बेटर है लिख लो एक बारी डीड के अंदर। तो हम लोगों ने सीख लिया कि डीड क्या होती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हम लोगों ने डीड नहीं बनाई, हमने नहीं बनाया वो रिटर्न डॉक्यूमेंट, तो क्या होगा भाई, क्या होगा पार्टनर्स के साथ, भाई कुछ नहीं मिलने वाला, भूल जाओ तुम सब कुछ। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको अपनी लगाई हुई कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ना फर्म आपसे ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट मांग सकती है, मतलब फर्म को भी फायदा नहीं हो रहा है। नो सैलरी कमीशन, सब भूल जाओ भाई, और PSR इक्वल है, बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, इसका मतलब अगर जितना डिसाइड करा था डीड में जितना लिखा फिर तो उतना, लेकिन अगर डीड बनाई नहीं या डीड उस पॉइंट पर साइलेंट है, डीड उस पॉइंट पर कुछ नहीं कहती है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा बराबर होगी, पार्टनर्स में प्रॉफिट हमेशा बराबर की रेशियो का बटेगा, और अगर डीड में कुछ और लिखा है तो जैसा लिखा है फिर वैसा, लेकिन नोट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यार इसका मतलब देखो ज़रा, अगर फर्म को कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो बाहर से लोन लेती है कि नहीं लेती है, बिल्कुल लेती है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर कह रहा है फर्म तू क्यों बाहर जाती है, तू मुझसे लोन ले ले,
तो यहाँ पर पार्टनर लोन देगा फर्म को। ध्यान रखो, पार्टनर दे रहा है लोन फर्म को, तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। अगर डीड में लिखा होता मान लो 20%, तो फर्म उसे पे करती 20% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 30% तो 30% पार्टनर्स लोन। और सर अगर डीड में नहीं भी लिखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में, अगर डीड में नहीं लिखा या हमने डीड नहीं बनाई, तब भी उसे 6% पर एनएम के हिसाब से फर्म को उसे पे करना पड़ेगा। किस क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनएम अगर डीड नहीं भी बनी तो, और डीड बनी होती तो जैसा लिखा होता उसके हिसाब से, चाहे 50% क्यों ना हो, ठीक है ना। अब बात आती है सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप कितने तरीके की हो सकती है। तो देखो पार्टनरशिप करने के भी अलग अलग फंडे हैं लोगों के, अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीके। तो देखो पहला पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इसका मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही खोली गई है। चार बंदे मिले आपस में एक पार्टनरशिप फॉर्म करी है कि एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जितना भी समय उसे बनाने में लगा, मान लो 6 महीने का समय लगा, और 6 महीने में उन्होंने बड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ काम करा, और 6 महीने के बाद में डैम क्लियर कंप्लीट करा और एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल दिया, इट इज़ नथिंग बट अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन सर मान लो कि 6 महीने के बाद भी उन्हें फर्दर और प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और दे ऑल आर हैप्पी, उन्हें लग रहा है कि साथ में काम करने में तो बहुत फायदा है, तो बताओ सर क्या होगा, क्या वो आगे उस फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अरे सर जब तक उनका मन करे तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर काम के लिए थी, जैसे ही वो काम पूरा हुआ नॉर्मली तो उस फॉर्म को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसकी इच्छा है कि वो फॉर्म को आगे चलाना चाहती है तो ध्यान रखना पर्टिकुलर पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल के अंदर। अरे सर कैसे, मैंने बोला विल का मतलब ही तो इच्छा है, इसका मतलब जब तक फिर हम पार्टनरशिप फर्म को चलाना चाहते हैं, हम नहीं बात कर रहे कि कब बंद करेंगे कब नहीं करेंगे, हमारी इच्छा, हम कह रहे हैं चल देख लेंगे आगे, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ही होता है जहां पर पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, फर्म के पार्टनर्स कह रहे हैं चलाओ चलाओ देखेंगे आगे क्या होगा, अभी तो चलाओ कोई समस्या नहीं है, दे आर हैप्पी टुगेदर, हाँ कि ना, चलो। उसके बाद बात आती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, नाम से समझ में आ रहा है फिक्स पीरियड, इसका मतलब 2018 में आप और मैंने काम करना शुरू करा और पहले ही डिसाइड कर लिया 2025 में फर्म को बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, सब ने बोला ठीक है जी एग्री हम इस बात पर, तो बन गए उनके बीच में पर्टिकुलर सॉरी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। लेकिन फिर से वही बात, अगर फिर से उन्हें लग रहा है कि 2025 वैसे तो फिक्स पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कि यार नहीं हम तो आगे चला सकते हैं इस फर्म को और हमें आगे चलाना चाहिए, तो फिर से हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड किसमें कन्वर्ट हो गया, पार्टनरशिप एट विल, कि फिर से इच्छा वाली बात आ गई, वो कह रहे हैं देख लेंगे आगे चल के अभी तो चलाओ इसको, उनकी इच्छा पे बात है, जब तक वो चलाना चाहे फिर उसको वो चला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 3 है सब पार्टनरशिप, ये कौन सी पार्टनरशिप है, देखो भाई बड़े ध्यान से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ए बी सी डी ये 4 मेन पार्टनरशिप फर्म के, और डी ने मिस्टर एक्स जो कि एक आउटसाइडर है उनका पैसा लौटाना है। अब डी ने प्रॉमिस कर दिया मिस्टर एक्स को कि डी ने बोला क्या कि भाई मेरे को जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है ना उसका आधा हिस्सा मैं तेरे को चुकाता रहूँगा। भाई डी ने पैसा चुकाना है एक्स का, एक्स से उसने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, डी का अपना हिस्सा है वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही पैसा तो देता है बंदा बिल्कुल, तो डी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा दे सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है, यहां जो रिलेशन बन रहा है ना मिस्टर एक्स का जो कि एक आउटसाइडर है, उनका रिलेशन ए बी सी डी से नहीं बन रहा है, पूरी फर्म से नहीं बन रहा है, उनका रिलेशन मिस्टर एक्स का रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा डी के साथ बन रहा है। ये जो रिलेशनशिप है डी का विद एक्स जो कि एक आउटसाइडर है, उसे हम बोलते हैं सब पार्टनरशिप। ध्यान रखो ये जो एक्स है जो आउटसाइडर है उनका ज्यादा से ज्यादा जो राइट है ना वो ज्यादा से ज्यादा डी तक है, एक्स की पहुंच ज्यादा से ज्यादा मिस्टर डी तक है, एक्स को फर्म से कोई लेना देना नहीं है, या कह लो फर्म का कोई लेना देना नहीं है, एबीसी कहेंगे हम नहीं जानते भाई या आउटसाइडर कौन है, ठीक है, डी कहेगा चिंता मत करो मैं जानता हूँ इसके साथ तो मैं निपट लूंगा, तो बस डी और उस आउटसाइडर को अपन बोलते सब पार्टनर। और ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ बिटवीन डी और आउटसाइडर जो कि एक सब पार्टनर है, उनके रिलेशनशिप को अपन बोलते हैं सब पार्टनरशिप। ये ध्यान रखना पूरी फर्म का रिलेशन नहीं है उस आउटसाइडर के साथ, आउटसाइडर कहेगी हमें नहीं, फॉर्म कहेंगे मुझे नहीं पता आउटसाइडर कौन है, बिल्कुल, तो आउटसाइडर का ज्यादा से ज्यादा जो रिकवरी करने की ताकत है उसके पास अपना पैसा वो डी से ही है,
और डी का भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्स तक ही राइट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका है, फर्म का आउटसाइडर से या आउटसाइडर का फर्म से कोई लेना देना नहीं है। और पार्टनरशिप एट विल तो हमने डिसाइड कर ली, ये वो पार्टनरशिप होते हैं जहाँ पर पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं है, यहाँ पर अपनी विलिंगनेस पर बात है। फ्यूचर में जाके अगर कोई भी पार्टनर कहता है कि हमें फर्म को बंद कर देना चाहिए तो वो फर्म को बंद करा सकता है, बस उसे एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो इच्छा वाली बात आ रही है, विल का मतलब यहाँ पर इच्छा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली बात हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी हमने बात करी है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की और अब है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स भी अलग अलग तरीके के, जैसे नालायक स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के। एक स्टूडेंट है बहुत ही एक्टिव है, देखो एक्टिव पार्टनर में मान लो वो बच्चा जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो डेली सुबह उठ के पढ़ाई करता है, सुबह उठ जाता है छुट्टी वाले दिन 6 बजे और बस पूरा दिन उससे कहो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पढ़ता ही हूँ सर क्या करूँ छुट्टी वाले दिन। एक यही मौका है, ना अकाउंट्स की ट्यूशन है, ना इकोनॉमिक्स की ट्यूशन है, ना बिजनेस की ट्यूशन है, ना कोई एक्स्ट्रा क्लास है, आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगा। तो बस भाई एक्टिव पार्टनर वही पार्टनर है जो पूरा दिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन दी डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल ज़बरदस्त बंदा है, खूब मेहनत से काम करता है, खूब डेडिकेटेड होकर काम करता है, ये एक्टिव पार्टनर कहलाता है। और जो स्लीपिंग पार्टनर है सर वो क्या करता है, भाई वो आलसी स्टूडेंट है, वो कहता है सर मैंने बुक्स खरीद ली हैं, आप चिंता मत करो सर, मेरे पास पेन है, रजिस्टर्स है सर, सारी किताबें, आपकी सारी वीडियोस मैंने डाउनलोड कर ली हैं। और मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मैं नहीं पढ़ रहा। अरे भाई ये कैसी बात हुई? तो सर ये वैसी बात होगी कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में कॉमन पता है क्या, इन दोनों ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है, बिल्कुल कैपिटल दोनों को लगानी चाहिए थी, दोनों ने लगाई है, दोनों बाहर वालों के लिए लायबल है तो दोनों ही लायबल है, वो सब कुछ बराबरी का हिस्सा है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो कहता है अरे यार पैसा लगा तो दिया, सैटरडे संडे नहीं आऊँगा, पार्टी करनी होती है दोस्तों के साथ, बाकी टाइम आ जाऊँगा, वो भी सुबह 11 बजे से पहले मैं नहीं आता। ठीक है ना, तो समझ गए आप लोग कितना नालायक किस्म का बच्चा है। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो फर्म को सिर्फ अपना नाम देता है, बड़े ध्यान से समझो भाई, फर्म को अपना नाम दे रहा है। अब भाई विराट कोहली, मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर मोदी, ये जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये लोग हर फर्म के साथ जुड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ किसी अच्छे कॉज के लिए उस फर्म को अपना नाम डोनेट कर देते हैं। दे आर नॉट मतलब एज इंटरेस्टेड इन द पार्टनरशिप फर्म, दे जस्ट लेंड देयर नेम, अपना नाम सिर्फ दे देते हैं यूज़ करने के लिए। और आप तो जानते हो इनका नाम ही इतना बड़ा है, इनके नाम से ही सारे काम हो जाते हैं, समझते हो ना। ठीक है, सब पार्टनर, सर अभी समझाया, सब पार्टनरशिप के अंदर सब पार्टनर वो आउटसाइडर है जिसका रिलेशन किसी एक पार्टनर के साथ, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में डी के साथ था, तो डी का रिलेशन आउटसाइडर के साथ था और वही आउटसाइडर कहलाता था सब पार्टनर। और डी और उस आउटसाइडर मिस्टर एक्स के बीच में जो रिलेशनशिप था वो कहलाता था सब पार्टनरशिप। हाँ के ना, वेरी गुड, आओ जरा पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। अब पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले समझो ये एस्टॉपल वर्ड क्या है। एस्टॉपल वर्ड का मतलब है वन कैन नॉट डिनाई, डिनाई नहीं कर सकते आप भाई, मुकर नहीं सकते। इसका मतलब है अगर एक बारी आपने एक्सेप्टेंस दे देना तो आप उस चीज़ से बच नहीं सकते, आप फिर बाउंड हो उस चीज़ के लिए। ठीक है ना, इसका मतलब मान लो तीन पार्टनर्स ABC एक पार्टी में गए, बहुत खुश है, दे आर हैविंग फूड ड्रिंक्स, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। वहाँ पर मिस्टर एक्स ने किसी को ये शो कराया कि भाई वो मिस्टर एक्स जो है ना वो तो ABC के साथ ही है, ABC फर्म का ही पार्टनर है, जो कि है तो नहीं, रियल पार्टनर तो सिर्फ कौन है, ABC। अब मिस्टर एक्स ने झूठ झूठ बोल के, किसी को झूठ झूठ बोल के ये शो करा दे कि वो तो ABC फर्म का हिस्सेदार है। अब भाई मिस्टर एक्स ने झूठ झूठ शो कराया जिसकी वजह से दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंस हो गई कि अरे भाई मिस्टर एक्स भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, वो तो ABC फर्म का ही क्या है, हिस्सेदार है, पार्टनर है। और मिस्टर एक्स ने ऐसा शो करा के उनसे उधार में माल ले लिया, समझ रहे हो ना। मिस्टर एक्स ने क्या चाल करी है, मिस्टर एक्स ने ये चाल करी है कि दूसरे बंदे को ये शो कराया कि भैया मैं तो ABC जो इतनी फेमस फर्म है मैं तो उसका पार्टनर हूँ, उसकी वजह से ही उस आउटसाइडर ने मिस्टर एक्स को उधार पे माल दे दिया। अब बताओ मिस्टर एक्स ने ये शो कराया, ये एक्सेप्टेंस दी कि मैं ABC फर्म का पार्टनर हूँ, तो अब उसने अगर चाहे झूठ ही क्यों ना बोला वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, वन कैन नॉट डिनाई। एस्टॉपल का मतलब ये क्या है, दोबारा बोलो, वन कैन नॉट डिनाई, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर वो मुकर नहीं सकता है। ठीक है भाई, हाँ सर सलमान खान की याद आ गई, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो ये कहलाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल।
फिर बात आती है भाई पार्टनर तो आ गए सर समझ में, बहुत सारे तरीकों के। सर पार्टनर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है, हाँ कि ना? स्टार्टिंग में हमने बात करी थी लोगों से मिलके तो बनती है पार्टनरशिप फर्म, तो ये लोग ही थे पार्टनर। अब पार्टनर कह रहे हैं मैं आपके फर्म में आ गया, फर्म ज्वाइन कर ली। सर मेरे अधिकार तो बता दो, राइट्स तो बताओ मेरे को भाई, क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले। मैंने बोला सुन मेरे भाई, मैंने बोला तेरा पहला राइट है तो बिंदास फर्म में आ, बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर, बिजनेस को मैनेज कर, ये तेरा राइट है, तेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है टेक पार्ट इन द बिजनेस, वो यही बताती है कि भाई आप आओ बिजनेस के अंदर, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और जितना बेटर काम कर सकते हो फर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप करो, ये आपका राइट है। सेकेंड पॉइंट है टू बी कंसल्टेड। ए बी सी बहुत ही बड़ी बिजनेस डील करने वाले हैं भाई, और डी साइड में बैठे हैं, ए बी सी कह रहे हैं छोड़ यार, डी से क्या पूछना नालायक है। डी कह रहा रुक जाओ भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इस फर्म का बराबर का पार्टनर हूँ, मुझसे सलाह लिए बिना तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। ये जो मैं बात कह रहा हूँ सलाह, उसी को हम बोलते हैं कंसल्ट करना। इसका मतलब हर पार्टनर का राइट है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उसको ज़रूर बुलाया जाएगा, उसे आप नहीं भूल सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री में असेस टू बुक्स। पार्टनर कह रहा है अरे मेरे भाई पूरे साल में हो क्या रहा है, ज़रा देख लूँ आके। हमने बोला मतलब, कह रहा है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का राइट है। मैंने बोला मालिक को भाई आप बिल्कुल, मालिक थोड़ी ना कुछ पूछता है, मालिक तो सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट उठाएगा, स्टेटस चेक कर सकता है जब मर्जी। इसका मतलब असेस टू बुक्स का मतलब ये है चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी फर्म के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही हैं हर पार्टनर के पास राइट है कि वो उसे कभी भी चेक कर सकता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर फोर है शेयर इन प्रॉफिट्स। बिल्कुल सर, मुनाफे के लिए ही आया है वो, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, फर्म में आए इसलिए। कह रहा है सर मुनाफा दोगे। मैंने बोला तेरा राइट है भाई, पूछने की बात नहीं, फर्म में जितना लिखा है डीड में जितना लिखा है उस रेशो के हिसाब से, अगर डीड नहीं बनाई तो इक्वल। वो कह रहा है हाँ इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन प्रॉफिट तो मिलेगा। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तेरा अधिकार है, मिलेगा चिंता मत कर। पॉइंट नंबर फाइव है रिटायर। अब बेचारा कॉन्टिन्यूस बीमार चल रहा है, या कह लो उसकी एज होती जा रही है, उससे लग रहा है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा काम, तो उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अरे बिल्कुल, फर्म के वेलफेयर के लिए भी यही बात सही है, फर्म के बेनिफिट के लिए भी यही बात है। अगर पार्टनर को खुद को भी लगता है कि उसे रिटायर हो जाना चाहिए, अब वो सूटेबल नहीं रहा फर्म के लिए, तो उसके पास हमेशा से ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है एक प्रायर नोटिस देके, ठीक है ना। तो ये थे इसके राइट्स पार्टनर्स के। अब जरा टॉपिक हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। अब देखो जरा, पहले जब 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल आपने जो अकाउंटिंग करी है वो एक सोल प्रोप्राइटर की करी है। ये अकेला लौता बिजनेसमैन था, ओनर था, कहता था सारा मुनाफा मेरा लेकिन सारा नुकसान झेल लूंगा। हमें प्रॉफिट बांटने में कभी दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि अकेला ओनर था, जितना प्रॉफिट सारा उसी का, बांटने में कभी कोई समस्या ही नहीं थी, झमेला ही नहीं था। लेकिन क्योंकि अब लोग साथ में हैं हमारे, अब ये बिजनेस अकेले का नहीं रहा सर, लोग मिल गए और वो लोग ही तो पार्टनर्स हैं, और हम एक पार्टनरशिप फॉर्म में बदल चुके हैं। अब पार्टनरशिप फॉर्म में एक अकेला ओनर तो होता नहीं है, तो सर अब कैसे बढ़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि एक ओनर तो है ही नहीं, एक से ज्यादा ओनर है, तीन ओनर्स है एबीसी मान लो, अब कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बस समस्या यहीं से शुरू है। बिल्कुल सर, तो यहां हमें जो अकाउंट मदद करता है वो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या चीज है, हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई घबराना नहीं है, बात करते हैं पहले आपके हिसाब से ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में नेट प्रॉफिट बताता था, जो कि बताता था कि भैया पूरे साल के एंड में ओनर को इतने रुपए का मुनाफा हुआ है, और वही नेट प्रॉफिट हम लोग उसकी बैलेंस शीट में जाके उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे, कैपिटल, और उसके नीचे लिखते थे ऐड नेट प्रॉफिट, हाँ कि ना। ऑब्वियसली प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ा देता था और लॉस घटा देता था, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पर समस्या ये नहीं है, यहाँ पर तो समस्या ये है कि सर प्रॉफिट हो गया, मान लो नेट प्रॉफिट आ गया, भाई ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि प्रॉफिट तो की जानकारी तो हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर ही मिलेगी। मान लेते हैं चलो हमें नेट प्रॉफिट मिला 6 लाख रुपए का, रुपीज 6 लाख का फर्म का नेट प्रॉफिट आया है 6 लाख। अब क्योंकि तीन ओनर है एबीसी, अब प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा। मैंने बोला बांटना पड़ेगा। तो बस अब एबीसी में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब याद रखें डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना,
अकाउंट का यही मतलब है इसका, अप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रॉफिट तो अभी भी ध्यान रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आया होगा, यहाँ तो बस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा मान लेते हैं 6 लाख का प्रॉफिट हुआ और आप ये समझो कि 6 लाख का प्रॉफिट हुआ और फर्म में डीड में लिखा हुआ था कि हर पार्टनर को 1-1 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाएगी। चलो हमने 6 लाख के प्रॉफिट में से 1-1 लाख रुपए की सैलरी बांट दी, बताओ कितना प्रॉफिट अभी भी बचा? आप कहोगे सर 3 लाख बचा। तो बस अगर ये लोग इक्वल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं, तो 3 लाख 3 मंथों में बराबर का अगर बांटोगे तो 1-1 लाख रुपए उनकी कैपिटल में फिर से चला जाएगा। बस बस जितनी बात मैंने अभी बोली है यही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कोई नई चीज़ नहीं है, एलियन नहीं है, पीके नहीं है भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही पूछ है, का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो किससे आ रहा है अभी भी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बस वो जो नेट प्रॉफिट को हमने अमंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़े ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक्सटेंडेड पार्ट है, उसी की आगे की पूछ है भाई, ये कोई नया अकाउंट नहीं है, ठीक है ना। ये बनाने से आप क्या करोगे, बाकी पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहले सोल प्रोप्राइटर था, पीएनएल अकाउंट बना के बाद बनती थी, यहाँ पर क्योंकि एक से ज्यादा ओनर है हमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भाई देखो, बिजनेस को अगर बढ़ाना है या बिजनेस को एक्सपेंड करना है क्या करना चाहिए हम लोगों को? अभी तक जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा भाई इतनी बात तो हमें वैसे ही क्लियर है। सर लोगों का साथ मिलता है तो फंड्स भी आ सकते हैं, फ्रेश आइडियाज भी आ सकते हैं, क्रिएटिविटी आ सकती है, मैनेजेरियल स्किल्स आ सकते हैं, हाँ कि ना। तमाम फायदे आते हैं जब और लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अब एडमिशन की, इसका मतलब एडमिशन के होते ही हमें कुछ फायदे मिलने चालू हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप में जब पहली गाड़ी शुरू होती है वो क्या होती है, जब हम किसी पार्टनर को अपनी फर्म में अपने साथ जोड़ते हैं, जिसको अपन एडमिशन बोलते हैं। और एडमिशन होने पर ये फायदे हमारे सामने होते हैं, देखो जरा। तो देखो न्यू पार्टनर के आने से क्या फ़ायदा हमें मिलता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेश आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। लेटेस्ट 30 साल का लड़का है, सब कुछ जानता है भाई, कहता है गज़ब गज़ब के आइडियाज़ ले लो मुझसे, मुझे अपने फॉर्म में एडमिट कर लो। हमने बोला आजा भाई, एक कहेगा कैपिटल ले आओ मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बोला आजा आजा तू भी आजा। एक कहता है मैनेजमेंट के स्किल्स है, MBA करा है मैंने अहमदाबाद से, मैंने बोला अरे भाई तू तो जल्दी आजा। तो बताओ अलग अलग पार्टनर को एडमिट करने से तमाम फ़ायदे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो नया पार्टनर हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहेगा जब वो इतना टैलेंटेड है, सोचो जरा एक बारी। तो मैं बताता हूँ, मान लो एक पार्टनर है मिस्टर जेड। अब ये जेड जो इंसान है वो कह रहा है मेरे पास तो 20 लाख रुपए पड़े, मैं अपना बिजनेस करूँगा। हमारी फर्म थी ABC की, ABC फर्म उसके पास गई और डिस्कशन जरा चालू हो गई है। ABC ने बोला और भाई जी तेरे क्या हाल चाल? जी ने बोला भाई मेरे पास 20 लाख है, मैं अपना बिजनेस करूँगा। हमने बोला हमारी फर्म में पैसा लगा ले। कह रहा क्यों लगाऊं, मैं तो इतना टैलेंटेड हूं, मैं तो खुद करूंगा काम, खुद कमाऊंगा, सारा मुनाफा मेरा होगा। मैंने बोला सुन जरा मेरी बात, हमारी फर्म ने उसे क्या समझाया, हमारी फर्म ने बोला देख अगर तू खुद 20 लाख रुपए लगाता है तेरे को कोई नहीं जानता मार्केट में, 3-4 साल तो तेरे ऐसे ही निकल जाएंगे मेहनत करते हुए, पता नहीं कब जाके तू प्रॉफिट्स कमाना शुरू करेगा, और फिर अकेला होगा ना, तेरे पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, अकेले सारा वर्कलोड तेरे पर होगा और कैपिटल की कमी कहीं ना कहीं जाएगी। वो डर गया हमारी बात सुन के, कह रहा अच्छा अगर यही 20 लाख मैं आपकी फर्म में लगाऊं तो? मैंने बोला देख मेरे भाई हमारी फर्म पिछले 10 साल से काम कर रही है, जिसकी रेपुटेशन बहुत है मार्केट के अंदर, सब जानते हैं हम लोग को, हमारे कस्टमर्स पक्के हैं और दिन प्रतिदिन हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमारी बहुत रेपुटेशन, हमारी बहुत गुडविल है, तू हमारे साथ जुड़ेगा ना तो पहले ही दिन से मुनाफा कमाना शुरू कर देगा। कह रहा पक्का? मैंने बोला 100%। कह रहा तो ये लो 20 लाख रुपये ले लो मुझसे। मैंने बोला अरे अरे 20 लाख तो ये वो अमाउंट हुआ जो तू वैसे भी लगाने वाला था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि अब तेरे को पहले ही दिन से मुनाफा चालू हो रहा है हमारी गुडविल की वजह से, फर्म ने क्या बोला तू हमारी रेपुटेशन की वजह से पहले दिन से कमा पाएगा, उसने खुद माना। नए बंदे ने बोला, कह रहा हाँ कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो। मैंने बोला ये जो तू पहले दिन से कमा पाएगा ना ज़्यादा पैसा, वो हमारी मेहनत की वजह से, हमारी जो हमने गुडविल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो हमने दी है, कस्टमर्स को रेगुलर अच्छी सर्विसेज दी है, जिसकी वजह से हमने गुडविल कमाई है, तो उसकी वजह से पहले दिन से कमाएगा। तो वो कह रहा है क्या चाहते हो? मैंने बोला भैया तेरे को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमें पे करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहले दिन से कमा रहे हैं, तो सिर्फ कैपिटल हम उससे लेंगे? बिल्कुल नहीं, कैपिटल तो वो अपने बिजनेस में वैसे भी लगाने वाला था, अब क्योंकि पहले दिन से उसने अच्छा कमाना शुरू करना है हमारी गुडविल की वजह से,
इसलिए हम उसे कहेंगे भैया आपको गुडविल भी लानी पड़ेगी, हमें गुडविल के अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हो भाई कि नया पार्टनर जब भी फर्म के साथ जुड़ेगा तो वो गुडविल भी लाएगा और कैपिटल का अमाउंट भी लाएगा, ये दोनों अमाउंट उसे फर्म को पे करने पड़ेंगे तभी फर्म उसे एडमिट करेगी। समझेगी नहीं? चलो जी। अब देखो एडमिशन के बाद हुआ क्या, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, टनाटन था। उम्र बीतती गई, दौर बीतता गया, कारवां छूटता गया और एक दिन उस मिस्टर जी की तबीयत खराब हो गई, या कह लो बेचारा बूढ़ा होता गया। कॉन्टीन्यूस इलनेस की वजह से उसने डिसाइड करा कि मेरे को फॉर्म को छोड़ देना चाहिए, इट्स बेटर। हमने भी कहा सही है भाई, अगर आप बीमार हो तो आप घर में जाइए आराम करिए। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, वो जो जाने वाला जी था वो ये नहीं कहेगा साडा हक एथे रख, तुम्हें क्या लगता है भाई उसका कुछ हक बनता है अभी भी? मैंने बोला बिल्कुल बनता है। अब वो हमारी फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ और 15 सालों से, ठीक है ना, इतने सालों से उस बेचारे ने हमारे साथ काम करा, हमारी गुडविल बनाने में और मदद करी, हम लोगों ने खूब खूब मुनाफे कमाए, सब कुछ करा, प्रॉपर्टीज़ खरीदी, तो क्या उसका राइट है कि नहीं? बिल्कुल सर उसका राइट है। इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर जो होगा फर्म उसकी तरफ लाइबल होगी, उसका जितना राइट बनता होगा फर्म को उसे पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना। रिटायरमेंट के वक्त रिटायरिंग पार्टनर का जितना पैसा बनता होगा रिटायरिंग पार्टनर को वो पैसा मिलेगा, बिल्कुल वो उसका हक है, वो उसका राइट है, ठीक है। बस ये बात तो आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। अरे सर ये क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया? मैंने बोला अरे देखो भाई बीमार था ना मिस्टर जी, अब देखो भाई उसकी डेथ हो गई है। ओहो डेथ के वक्त क्या होगा भाई? अच्छा मान लो भाई उसकी डेथ हो गई, चलो मैं कोई और पार्टनर का नाम लेता हूँ, चलो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स हमारी फर्म के साथ जुड़े थे, अचानक से इनकी डेथ हो गई। अब बताओ रिटायरिंग पार्टनर का पैसा तो भाई रिटायरिंग पार्टनर को खुद को मिल जाता है, हाँ कि ना, क्योंकि वो कहीं उसकी डेथ थोड़ी ना हुई है। लेकिन यहाँ तो सर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, अब उसका क्या होगा, उसके हक का क्या होगा, उसका पैसा या उसके जो बेनिफिट से वो किसको दिए जाएंगे? वो तो बहुत दूर चले गए सर। मैंने बोला बस हेयर कम्स दी बॉन्ड, एग्जीक्यूटर जी आ गए। अरे सर ये एग्जीक्यूटर कौन है? मैंने बोला भाई देखो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है ना उसे अपन बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर, और डिसीज्ड पार्टनर दूर चले गए फर्म उसको पैसा कैसे देगी? इसीलिए डिसीज्ड पार्टनर का जो भी राइट्स होंगे, जितने भी उसके बेनिफिट्स होंगे या उसका जितना पैसा ड्यू होगा वो उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर वो होगा, मान लो एक पार्टनर था मिस्टर एक्स जिसने 40 साल की उम्र में ही अपनी नॉमिनेशन दे दी थी। नॉमिनेशन क्या होती है? जब एक पार्टनर कहता है कि अगर बिजनेस के दौरान मेरी डेथ हो गई तो मेरा पैसा इस बंदे को दे दिया जाए, तो बस ये जो हमने नॉमिनी दी है, नॉमिनेशन दी है जिसके फेवर में कि भाई हमारा पैसा मेरे ब्रदर को मिले या मेरी मदर के अकाउंट में जाना चाहिए, तो वो कहलाएगा एग्जीक्यूटर। तो हर हमेशा डेथ के केस में जो कि एक डिसीज्ड पार्टनर कहलाता है जिसकी डेथ हो जाती है, उसका पैसा हमेशा कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा? डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और कभी ना कभी डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दी जाएगी। ऐसे निपटता है डेथ का केस, समझे कि नहीं? अरे प्यारे बच्चों तुम क्यों रो रहे हो? अरे सर डेथ हो गई मिस्टर एक्स की। अरे 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 कितने अच्छे बच्चों, चलो कोई बात नहीं, आंसू पोंछो फटाफट से ज़रा तो हम आगे बढ़े। अरे पोंछ भी लो अब जल्दी से, चलो। अब इतने दुख आ ही रहे थे, कोई रिटायर हो रहा है सर, किसी की डेथ हो रही है, और दुख बढ़ते चले गए सर, और दुखों के साथ एक दिन हमारी फर्म ही बंद हो गई। उसी को कहते हैं अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सब खत्म, उस दिन सब खत्म, फर्म ही खत्म हो गई सर, बिजनेस क्लोज हो चुका है, बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है। जहां पर बिजनेस ही खत्म हो गया उसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां जो डिफरेंसेस लिखे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब अभी हमने सीखा कि यहां पर तो बिजनेस ही क्लोज हो गया, बिजनेस क्लोज हो गया मतलब अब बिजनेस आगे चलेगा ही नहीं। क्यों बिजनेस खत्म हो सकता है? कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो गए, हाँ कि ना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो गए, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ पार्टनर्स के बीच में कि ऐसा करते हैं फर्म को बंद ही कर देना चाहिए, नहीं चलाना चाहते वो फर्म को, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने बोल दिया भैया आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपको ये काम बंद करना पड़ेगा। और चेंज इन लॉ, पहले हम लोग अमेरिका के साथ किसी चीज़ में डील करते थे तब अलाउड था वो काम गवर्नमेंट की तरफ से,
अब गवर्नमेंट ने उस काम को इलीगल घोषित कर दिया, तो हमें अपनी फॉर्म बंद करनी ही पड़ेगी। उस हर केस में हम कहेंगे हमारी फॉर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया है, इन रीजंस की वजह से हमारी फॉर्म बंद हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भाई यहाँ पर फॉर्म बंद नहीं हो रही है, यहाँ पर तो चेंज इन रिलेशंस अमंग पार्टनर्स हो रहे हैं, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नए सिरे से काम करेगी, नई टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करेगी, फर्म के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म बंद नहीं हो रही है, बस फर्म में कुछ नया बदलाव आ रहे हैं, नए बदलाव के साथ वो काम कर रही है, उसे ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। आप चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलो या डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलो, ध्यान रखने वाली बात क्या है, फर्म बंद नहीं होगी। मान लो पहले तीन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2:1 में, लेकिन अब उनके बीच में डिसाइड हुआ कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वल, मतलब 1:1:1, तो बताओ जरा क्या फर्म बंद हो गई है? बिल्कुल नहीं, फर्म चल रही है लेकिन नई टर्म्स एंड कंडीशन पर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है, फर्म का मतलब है फर्म ही बंद हो गई, फर्म का बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, जिंदगी की तरह ही पार्टनरशिप फर्म का भी दौर होता है भाई, कभी खुशी तो कभी गम। खुशियाँ देखो कैसे होती है, देखो एडमिशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, खुशियाँ ही खुशियाँ। रिटायरमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, 60 साल के बाद पूरे हुए नहीं, रिटायर हो गए, किसी भी रीज़न की वजह से रिटायर हो गए, नेचुरल फिनोमेन है, और डेथ नेचुरल फिनोमेन है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ तक तो नेचुरल प्रोसेस था, सब कुछ सिस्टमेटिक जैसा होना चाहिए वैसे चल रहा है। लेकिन गम तो आए तब जब बिजनेस ही बंद हो गया, और बिजनेस बंद होने के रीजंस हमने अभी डिस्कस करे, लेकिन आप एक बार दोबारा इसको देख लें तो कॉन्टिन्यूस लॉसेज, चेंज इन लॉ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स और म्यूचुअल अग्रीमेंट। म्यूचुअल अग्रीमेंट मतलब जहाँ पर सारे पार्टनर्स आपस में अग्री हैं कि बेटर है कि इस फर्म को अब बंद ही कर देना चाहिए, तो भाई म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ हम फर्म को बंद कर सकते हैं। ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी फर्म बंद हो जाती है। तो देखो भाई, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? अभी हमने सीखा कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को ही हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है नए सिरे से काम करना, नई टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करना, नई शर्तों पर काम करना। अब कब कब होगी रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये देखने वाली बात है। तो पहला जो रीज़न है वो है एडमिशन। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पक्का है पुराने पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदल के चेंज होगा और नए सिरे से काम होगा। सेम चीज़ रिटायरमेंट के वक्त है, पहले तीन पार्टनर्स थे, अब एक पार्टनर चला गया तो ऑटोमेटिकली नए सिरे से काम होगा। सेम चीज़ डेथ के केस में, और वही रीज़न जो चेंज इन PSR है, PSR का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है, पहले 3:2:1 अब 1:1:1, तो फर्म के एग्जिस्टेंस पर फर्क नहीं आ रहा है सर, फर्म नए सिरे से काम कर रही है। एक्सपल्शन, सर ये क्या होता है? मैंने बोला एक्सपल्शन का मतलब होता है निकाल देना, एक्सपेल करने का मतलब होता है निकाल देना। और अगर हम किसी पार्टनर को निकाल रहे हैं फॉर्म में, तो ध्यान रखो कि वो जो एक्सपल्शन होनी चाहिए वो इन फेवर और इन बेनिफिट ऑफ फर्म होनी चाहिए। फर्म के भले के लिए हो रही है तो चलेगा, इन अ गुड फेथ होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ उसे ऐसे ही निकाल दिया हो, हम उसे निकालें तब जब वो फर्म को सही में नुकसान पहुंचा रहा हो और उसे निकाल देने में ही फर्म की भलाई हो, लेकिन उसे निकालने से पहले हमें एक बार उसे उसकी बात रखने का मौका ज़रूर देना पड़ेगा, और उसे पहले एक प्रायर नोटिस, प्रायर का मतलब उसे पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम तुझे निकालने वाले हैं, और अगर तू अपनी बात रखना चाहता है हमारे आगे तो हम तेरे को वो मौका भी दे रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर से क्या है, तीन पार्टनर्स थे, एक को निकाल दिया, दो अभी भी बचे हैं वो फर्म को चला सकते हैं, तो फर्म बंद नहीं हुई है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है। इंसॉल्वेंसी, अब इंसॉल्वेंट होने का मतलब होता है जहां पर एक पार्टनर अपनी लाइबिलिटीज ना चुका पाए, इसका मतलब दिवालिया हो जाना, इसका मतलब उसके असेट्स हैं कम और लाइबिलिटीज हैं ज़्यादा। तो इनसॉल्वेंट पार्टनर जो है वो एक वैलिड पर्सन की कैटेगरी में आता नहीं है, वो वैलिड पर्सन नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। तो भाई क्या दिक्कत है, तीन पार्टनर्स थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया, हमने बोला भाई साहब अब तो आप वैलिड नहीं हो, आप इस फॉर्म को छोड़ के चले जाओ। फॉर्म अब बाकी दोनों के दोनों सॉल्वेंट हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं, उनके असेट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज, तो वो दोनों फॉर्म को चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ दो ही पार्टनर्स होते और एक इंसॉल्वेंट हो गया होता, तब समस्या की बात थी कि एक अकेला बंदा फर्म को नहीं चला सकता, वहां पर फर्म बंद हो जाती। लेकिन जब भी बात हो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की, या कह लो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो ध्यान रखना फर्म बंद नहीं होगी, बस फर्म न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलती रहेगी और काम करती रहेगी। अब देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज नॉट कंपलसरी, ऐसा लिखा है, बिल्कुल। क्या फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है? क्या जरूरी है कि फर्म को रजिस्टर कराया जाए? तो आंसर तो है नो, लेकिन भाई बड़े ध्यान से समझना,
अभी हम लोगों ने सीखा था कि डीड बन जाए तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स नहीं होते, झगड़े नहीं होते, और अगर झगड़े होते भी हैं तो हमारे पास क्योंकि रिटन में चीज़ें हैं, हम उसे कोर्ट तक लेके जा सकते हैं जहाँ पर हम अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। कोर्ट हमारी मदद करेगा तब जब चीज़ रिटन में होगी। हम ये सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हैं। तो यहाँ पर बस कुछ इसी तरीके से लॉजिक आपने लगाना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म कंपलसरी तो नहीं है, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि फॉर्म को रजिस्टर कराओ, अच्छी बात है, नहीं कराओगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन करवाने में ही फ़ायदा है भाई, ठीक है ना। नहीं करवाओगे तो ये सामने जो चीज़ें लिखी है वो हो सकती हैं आपके साथ। ज़रा देखो सामने, फॉर्म को रजिस्टर ना करवाने के नुकसान देखना ज़रा। नंबर वन, नो पार्टनर कैन स्यू ऑन द फॉर्म। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर को कोई शिकायत है फॉर्म से, वो फॉर्म के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस कर ही नहीं सकता, कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी ही नहीं। अरे भाई देखा, अगली बात है नो पार्टनर कैन सी यू ऑन अनदर पार्टनर, मतलब अगर कोई एक पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, बैड बिहेवियर कर रहा है जो फॉर्म के फेवर के लिए नहीं है, तो कोई एक पार्टनर उस पार्टनर के अगेंस्ट भी कोर्ट केस नहीं कर सकता। कोर्ट कहेगा जाओ पहले रिटर्न डीड लेके आओ, क्या रजिस्टर है फॉर्म, हम कहेंगे नहीं है, तो हमें भगा देगा वो। और तीसरी बात है फॉर्म कैन नॉट सी यू ऑन आउटसाइडर्स। अरे भाई सर ये तो बड़ी नुकसान की बात है, बिल्कुल। हम लोगों ने मान लो किसी एक फॉर्म को उधार में माल दे दिया, या किसी पर्सन को उधार में माल दे दिया 50 लाख का, अब वो हमारा पैसा नहीं दे रहा, हमने बोला रुक अभी हम तेरे अगेंस्ट कोर्ट केस करते हैं। अब हम गए कोर्ट केस करने, फॉर्म ने बोला बिल्कुल जी कोर्ट केस करो। फॉर्म ने बस हमसे, कोर्ट ने हमसे बस एक चीज़ मांग ली है, उन्होंने बोला सर फटाफट से ना अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दो, पार्टनरशिप डीड दिखा दो जो आपने बनवाई है रिटर्न में। हमने बोला वो तो हमने बनवाई नहीं। तो भैया हम उस आउटसाइडर पर भी कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, कोर्ट हमारा साथ नहीं देने वाला। अब ज़रा बताओगे फॉर्म को रजिस्टर कराने की रहने दें। अरे सर हम तो डर गए सुन के ही, समझ गए ना बच्चों, तो कल को बड़े हो गए जब भी पार्टनरशिप फॉर्म खोलोगे तो रजिस्टर करा लेना, नहीं तो तुम तो गए, ठीक है ना। चलो लेकिन देखो इम्पोर्टेंट में क्या नोट लिखा है, आउटसाइडर्स कैन सी ऑन फॉर्म। भाई हाँ, आउटसाइडर्स को यह सुख दिया गया है कि भाई उन्हें क्या पता कि फॉर्म रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं इनोसेंट है, बोनाफाइड है। बोनाफाइड का मतलब होता है इनोसेंट, और कोर्ट हमेशा इनोसेंट का साथ देता है, इसलिए आउटसाइडर्स स्यू कर सकते हैं फॉर्म पर। मतलब स्यू का मतलब होता है कोर्ट केस करना, आउटसाइडर्स के पास हमेशा ये राइट अवेलेबल है कि अगर उन्हें फॉर्म ठग ले और भले वो फॉर्म रजिस्टर्ड ना हो, तो आउटसाइडर तो फॉर्म के अगेंस्ट कोर्ट केस हमेशा कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो पुरानी कुछ गुल्लक होती हैं जिसको हम लोग हमेशा से रिजर्व्स बोलते हैं, अगर पड़े हैं तो ये किसके हैं भाई, जरा सोचो। ABC अगर तीन पुराने पार्टनर्स हैं और D एक नया पार्टनर एडमिट होने ही वाला है, तो बताओ ये पुरानी गुल्लकों पर, पुराने रिजर्व्स पर किसका हक है भाई। ये तो सिर्फ सर ओल्ड और ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा, सोचो जरा क्यों। सर हम तो समझ गए भाई, ये जो सारी गुल्लकें बनी है ना, ये जो सारे रिजर्व्स बने वो किनकी मेहनत से बने, सिर्फ A, B और C की मदद से बने। उसमें तो सर D का कोई राइट है ही नहीं। मैंने बोला बिल्कुल समझदार हो अब आप तो, बिल्कुल। तो नए पार्टनर का राइट्स तो उस दिन से चालू होंगे जिस दिन वो फॉर्म के अंदर एक पार्टनर बन जाएगा। अब क्योंकि ये पुरानी ही सब चीज़ें हैं, तो ये इट ऑल बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो ध्यान रखना जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं, इट ऑल बिलोंग्स टू, या पुराने जितने भी प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स, गुल्लक। तो ये गुल्लक बनाई पुरानों ने थी, पुरानों की मदद से बनी है, तो बटेगी भी सिर्फ पुरानों में, इसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होगा। हाँ लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है या वो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, तो भैया ये गुल्लकों में उनका भी कंट्रीब्यूशन था, तो उनको ये पैसा मिलेगा। डेथ के केस में किसको मिलता था याद करो, फटाफट से याद करो सर, एग्जीक्यूटर अकाउंट को। एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, उसके एग्जीक्यूटर को वो पैसा मिल जाएगा, और रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर को वो पैसा मिल जाएगा। हाँ कि ना, पुरानों का रोल था तो पुरानों को मिलेगा। ये देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखना आपने इसे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये अकाउंट बहुत कॉमनली आपकी पूरी पार्टनरशिप में आपके साथ रहने वाला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझने से पहले अपन समझते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज चाहता कौन है, कौन करना चाहता है असेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यू। रीवैल्यू करना मतलब दोबारा से वैल्यू करना इसकी। अब देखो ओल्ड और न्यू पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कहीं ना कहीं, दोनों की सोच अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। जरा समझो इस एग्जांपल को तो समझ में आ जाए कि हमेशा के लिए बात। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, जरा ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने कभी बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए की। अब भाई 10 लाख रुपए की खरीदी थी उन्होंने मान लो 3 साल पहले, लेकिन आज उसकी वैल्यू हो गई है बढ़कर 15 लाख रुपए। लेकिन बुक्स में अभी भी मतलब बैलेंस शीट में अभी भी 10 लाख के दिख रही है, लेकिन उसकी जो आज मार्केट वैल्यू वो है 15 लाख। मुझे एक चीज़ बताओ, 5 लाख से प्रॉफिट बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका? बिल्कुल बढ़ चुका है सर। क्या वो नहीं चाहेंगे कि नए पार्टनर के आने से पहले इस 5 लाख को अपन इक्वल बांट लें? बिल्कुल। क्या वो चाहेंगे कि इस 5 लाख रुपए का फ़ायदा उस नए पार्टनर को मिले? बिल्कुल नहीं। अभी हमने सीखा कि पुराने जितने भी फायदे होते हैं वो सारे किन के ही होते हैं? पुरानों के होते हैं। तो बिल्कुल, तो ये 5 लाख को वो रीवैल्यू कर लेंगे। वो कहेंगे भैया 10 लाख की नहीं है बिल्डिंग, बिल्डिंग 15 लाख की है, और वो बढ़े हुए 5 लाख का फ़ायदा कौन ले लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे। मतलब जब भी असेट्स को रीवैल्यू करने की बारी आएगी ना, तो ओल्ड पार्टनर बड़े खुशी से चिल्लाएंगे, कहेंगे भैया रीवैल्यू कर दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि नए पार्टनर के आने से पहले ही असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ी है तो उसका बेनिफिट सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली वो उन्हीं का ही राइट है, उन्हें ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है लाइबिलिटीज की ना, तो ओल्ड पार्टनर्स चुप हो जाते हैं। फिर बोलते हैं नया पार्टनर कहता है सुनो, जब असेट्स की बात थी तो तुमने रीवैल्यू कर लिया, अब जब बारी आई है लाइबिलिटीज की तो तुम कर दे रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब मान लो ए और बी जो कि पुराने पार्टनर्स थे, उनकी एक लाइबिलिटी थी क्रेडिटर के नाम से 12 लाख रुपए की। मतलब बुक्स में दिख रहा था कि उन्होंने क्रेडिटर को कितना रुपया देना है? 12 लाख। लेकिन वो लाइबिलिटी बढ़कर 15 लाख पहुंच चुकी थी, लेकिन बुक्स में उन्होंने सिर्फ कितना भी रिकॉर्ड करा हुआ था? 12 लाख। मुझे एक चीज बताओ, अगर नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो खुद बताओ ये जो बड़ी हुई 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी है वो तो उसे भी भुगतनी पड़ेगी। तो वो कहेगा भैया जैसे आपने असेट्स को रीवैल्यू करा ना और सारा प्रॉफिट अपने पुराने पार्टनर्स ने शेयर कर लिया, तो ये जो लाइबिलिटी 12 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई है। बड़े ध्यान से सुनो, ये वो लाइबिलिटी थी जो बुक्स में वैसे 12 लाख दिख रही थी, लेकिन रियल में कितनी हो गई थी? 15 लाख की। तो ये जो बड़े हुए 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी चुकानी है उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है भाई, इसे भी आप भुगतोगे। तो समझिए मेरी बात कि नहीं। तो नया पार्टनर कहेगा लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यू कर लो, और जितनी लाइबिलिटी बढ़ गई है ना खुद ही पे कर लो मेरे आने से पहले, मैं पुराने किसी लफड़े में पड़ने वाला नहीं। इसका मतलब असेट्स के फायदे को तो पुराने पार्टनर ही चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि फटाफट से रीवैल्यू करो और बांट लो, लेकिन लाइबिलिटीज को जब रीवैल्यू करने की बारी आएगी तो नया पार्टनर कहेगा अब करो रीवैल्यू लाइबिलिटीज को भी, और अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ी है तो वो भी सिर्फ तुम ही भुगतो, इसमें भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो समझ गए होगे अब आप बिल्कुल डिटेल में कि हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्यों करते हैं, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के पर्पज से ये इमेंस इंपॉर्टेंस रखता है आप लोगों के लिए। चलो देखो आगे। बस भाई आज का लास्ट टॉपिक बस रह गया, बड़े ध्यान से सामने देखो, सोना नहीं है भाई, हाँ कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हटानी है। देखो जरा, बस 2-3 मिनट की बात और रह गई है। अब सर ये रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है सामने, मैंने बोला बिल्कुल। रियलाइज करने का मतलब क्या होता है? निपटा देना। चीज़ें कब निपटाएंगे? अभी हमने सीखा सर, जब दुख आएगा। दुख आया था तब जब हमारी फर्म क्या हो गई थी? डिसॉल्व हो गई थी सर, जब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो गया था, या कह लो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ था, जब हमारी फर्म क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी। वहां पर क्या होगा? अरे फर्म बंद हो गई तो बताओ क्या होगा? सारे क्रेडिटर्स हमारे बाहर खड़े हैं, बिल्कुल गेट पर खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं जाने देंगे, एक एक पार्टनर को पकड़ लेंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। पार्टनर ने बोला भाई मेरे पास तो मुनाफा है ही नहीं, हमारी फर्म तो कॉन्टिन्यूस लॉसेस की वजह से बंद होने के कगार पे खड़ी है, और तुम हमसे पैसा मांग रहे हो। क्रेडिटर्स ने कहा भाई हम तो मान गए कि तुम्हें कॉन्टिन्यूस लॉसेस है, हम तो बिल्कुल तुम्हारी बात से राजी होते हैं, लेकिन भाई इतने सालों से बिजनेस चला रहे थे, इतने सालों से फर्म चला रहे थे, तो खूब सारे असेट्स तो बनाए हैं। उन्होंने बोला हाँ असेट्स तो हैं हमारे पास। तो बस फर्म ने, उन क्रेडिटर्स ने क्या बोला? क्रेडिटर्स ने कहा ऐसा करो, मुनाफा तो नहीं है ना, बाजार में जाओ और अपने असेट्स को ओपन मार्केट में बेचो, मार्केट वैल्यू लगाओ असेट्स की, और उसे मार्केट प्राइस पर जितना भी बनता है उसे बेचो, और वो असेट्स बेचकर हमारी देनदारी को चुका देना, भूल मत जाना, लाइबिलिटीज तो चुकानी ही पड़ेगी। ये बात तो क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाँ कि ना? हमेशा, मतलब जब फर्म बंद होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, जो कि सिखाता है हमें कि असेट्स को बेचो और लाइबिलिटीज को चुकाओ। ऑन दी अदर हैंड जो रीवैल्यूएशन अकाउंट था वो बनता था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ।
क्योंकि तीनों ही, चाहे कोई बंदा एडमिशन के वक्त अगर बन रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पुराने कहते थे उस पर हमारा राइट है, तो वो बांट लेते थे पुराने। रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों ही पार्टनर भले ही फॉर्म को छोड़ के जा रहे हो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, लेकिन खुद बताओ पुराने प्रॉफिट्स में उनका रोल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तीनों, जब आप लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तीनों चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब आप फर्म को बंद कर दोगे, जब आपकी फर्म बंद हो जाएगी, डेट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है भाई बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे बेचारे परेशान है, सर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, थ्योरी तो समझ में आ गई, तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है भाई कि बहुत सारी हमारी प्लेलिस्ट आप सबसे पहले तो चेक करें। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी सारी टॉपिक्स पर फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है, फेस टू फेस। ठीक है, हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व है, हर प्लेलिस्ट बना रखी है पार्टनरशिप अकाउंट्स के नाम से, कंपनी अकाउंट्स के नाम से, बोर्ड क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से हर चीज अवेलेबल है फेस टू फेस। सारी बातें समझा रहा हूँ बिल्कुल आसान लैंग्वेज में विद सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है ना, आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है और बस वाईफाई का खर्चा आप लोगों को करना है, इतना तो भाई करो तुम लोग। ठीक है ना, बातें समझ में आएंगी ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, और पूरी कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आप लोगों को सिखा सकें। ठीक है, बस आप लोगों ने पढ़ना है और कोई बहाना नहीं है। इसी 3-4 महीने में कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा कमांड बन जाए अकाउंट्स के ऊपर तो बना लो। 3-4 महीनों में बनी तो सोचो बात ही बन गई है, और नहीं तो क्या कह सकते हैं भाई, आप लोग तो समझदार हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, बस गलती तो यहाँ पर चलेगी नहीं भाई। ठीक है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगले आने वाले 4 महीनों में जिस स्टूडेंट का सब्जेक्ट पर कंट्रोल अच्छा बनता चला गया, उसको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 90+100% है। लेकिन जिसके 3-4 महीने सोचने में निकल गए कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी टीचर से पढ़ना है, क्या करूं क्या ना करूं, बस भाई बस, वो तो सिर्फ फिर बेचारा पास को तरसेगा। ठीक है, तो जिसको 90% प्लस लाने, बस चालू हो जाए बिल्कुल अभी से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑल द बेस्ट।